हेलो अस्सलाम माय नेम इज़ इस मलिक एंड आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन डिस्पैच बिजनेस अच्छा दो से तीन इश्यूज हैं जो मुझे एक दो दिन से कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन करके पूछ भी रहे हैं और कुछ उसका सोल्यूशन मांग रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं उसको आज एक वीडियो मैसेज में सबको मैं उसका सोल्यूशंस बताऊं क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का वो सेम क्वेश्चन हो और बहुत सारे लोग ये इशू फेस कर रहे हों एक फर्स्ट इशू तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो डी लोड बोर्ड की फ्री जो उसकी ट्रायल है वन मंथ की वो लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो उन्हें नहीं मिल रहा तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स एंड कजन्स ने मुझे बताया है कि जो इस काम में इन्वॉल्व हैं उन्होंने बताया कि डी ने अपनी वन मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन जो है या फ्री ट्रायल जो है उसको ख़त्म कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो फ्री ट्रायल लिया है और फ्री ट्रायल पर काम कर रहे हैं ऑब्वियसली अगर कोई इंसान किसी की एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है लाइक अगर कोई इंसान टिक या यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखता है तो ऑब्वियसली मुझे नज़र आता है कि कितने व्यूज़ हैं या कितने लोग उसको देख रहे हैं तो सेम लाइक दैट डी ई टी के जितने भी यूज़र्स होते हैं उन्हें अंदाज़ा हो रहा होता है कि इस टाइम पूरे वर्ल्ड में हमें इतने मिलियंस लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं या लाखों लोग हज़ारों लोग यूज़ कर रहे हैं और उनको जो पे कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं तो इसीलिए उन्होंने फ्री जो ट्रायल है वन मंथ का वो उन्होंने शायद ख़त्म कर दिया है तो जिन लोगों ने फ्री ट्रायल पहले ले लिया था तो उनके मज़े हो गए लेकिन अभी जो है आ, फ्री ट्रायल ख़त्म हो गया तो मैं न्यू आ, यूजर्स या न्यू डिस्पैचर या न्यू बेगनर्स को यही कहूँगा कि अभी स्टार्टिंग में वो 180 डॉलर वाला जो उसका पैकेज है वो ना लें बल्कि फाइव या एटी फाइव वाला जो पैकेज है वो ले लें स्टार्टिंग के लिए अभी स्टार्टिंग में इतने पैसे ना लगाएं क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें न्यू डिस्पैचेस को क्लियर नहीं होती और न्यू डिस्पैचर्स जो अभी खुद ब्रोकर से कॉल कर रहे होते हैं लिंक्स बना रहे होते हैं कैरियर से बात कर रहे होते हैं तो इसलिए स्टार्टिंग में अभी 185 वाला जो पैकेज है वो ना लें वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ का पड़ जाता है तो अगर आप 135 या 85 वाला लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट कोई आपको अंडर थर्टी पड़ जाएगा आपके बीस पच्चीस बच जाएंगे अभी स्टार्टिंग में जब तक आप एक प्रो डिस्पैचर नहीं बन जाते जब तक आप एक एक्सपीरियंस डिस्पैचर नहीं बन जाते आप वन वाला ना लें अभी स्टार्टिंग में उनके फीचर्स को देखें ब्रोकर से बात करें अपने रिलेशंस बनाएं कैरियर के साथ अपना लिंक्स बनाएं तो अभी स्टार्टिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट ना करें तो एक तो फ्री जो लोड बोर्ड है वो खत्म हो गया है तो अभी आप लोग जो है ट्रकर एज ले लें ट्रकर एज जो है वो एक बेसिक लोड बोर्ड होता है लेकिन उससे आपको काफ़ी इंफॉमेशन मिल जाती है मैंने भी स्टार्टिंग में दो महीने ट्रकर एज चलाया था तो इसमें कोई मसला नहीं है ट्रकर एज के ऊपर बेसिकली लोड जो है वो थोड़े थोड़ा लेट पोस्ट होते हैं मतलब पहला लोड जो है वो डी पावर पर ड्रॉप होता है और उसके बाद सेकेंड जो वो लोड ड्रॉप होता है वो ट्रकर एज पर ड्रॉप होता है आफ्टर सम मिनट्स आफ्टर फाइव मिनट और एट मिनट आई थिंक तो लेकिन लोड मिल मिल जाता है उसके ऊपर लोड आ जाते हैं तो आप जो है आ, स्टार्टिंग में अपने आ, पैसे बचाएं और अभी जब तक आप पूरा मुकम्मल सीख नहीं जाते तो आप जो है ये लोड बोर्ड जो वन एटी वाला है वो ना लें अगर आप ले सकते हैं तो ले लें बिल्कुल मुझे कोई मसला नहीं है मैं तो सिर्फ आप लोगों के पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ और दूसरा एक इशू आ रहा है आ, ये आ रहा है कि डी लोड बोर्ड जो है वो आ, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पाकिस्तानी मोबाइल नंबर उसके ब, आ, बैक एंड सेटिंग में डाल देते हैं जिसकी वजह से डी ए टी लोड बोर्ड के जो कॉल सेंटर्स हैं या उनकी जो हेल्पलाइंस है वहाँ से उन्हें कॉल्स आती हैं और वो उन्हें कहते हैं कि जी हम आपकी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर रहे हैं हम आपको सर्विसज इस स्टेट में प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम आपका लोड बोर्ड कैंसिल कर रहे हैं और आपको आफ्टर अ वीक आफ्टर टेन डेज़ आपकी पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगी जो आपने हमें सब्सक्रिप्शन के लिए दी थी तो पेमेंट रिफ़ंड हो जाती है उसका मसला नहीं है लेकिन उन लोगों से मैंने कहना ये कुछ न्यू बिगनर हैं कुछ न्यू डिस्पैचर्स हैं जो बाय मिस्टेक ये काम कर रहे हैं तो उन्हें मैं ये कहूंगा कि एक तो डी ए टी के जो बैक पे अपने हेल्पलाइन या अपना कोई सपोर्ट नंबर आपने डालना है तो वहां पे आप अपना कोई भी वर्चुअल नंबर चाहे वो नेक्स्ट युवा है चाहे वो रिंग सेंट्रल है चाहे वो आपका स्काइप का लिया हुआ है चाहे वो ओपन फोन है कोई भी है अपना वो नंबर डालें अपना पाकिस्तानी नंबर मत डालें और सेकेंड इज के अगर आपने पाकिस्तान से लोडबोर्ड यूज करना है तो वीपीएन को एक्टिव करें टर्बो वीपीएन है सर्फ शार्क है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इसके अलावा और बहुत सारे पेड वीपीएन है आप पेड वीपीएन लें उसके ऊपर अपनी लोकेशन जो है वो यूएसए की लोकेशन डालें यूएसए की लोकेशन किसी भी स्टेट की डाल के फिर आप लोड बोर्ड यूज़ करें तो फिर आपको लोड बोर्ड यूज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर आप पाकिस्तानी विदाउट वीपीएन पाकिस्तान से लोड बोर्ड यूज़ करते हैं तो लोड बोर्ड जो पीछे कंपनी है डी की वो आपका आई लोकेशन उठा लेती है और अगर आप आउट ऑफ द यू आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देते हैं और आपको सर्विसज प्रोवाइड नहीं करते तो जब भी लोड बोर्ड को यूज़ करें वी ऑन करके यूज़ करें और लोकेशन जो है वो यूएस की डाल के फिर यूज़ करें तो लोड बोर्ड आपको यूज़ होने में तंग नहीं करेगा और थर्ड थिंग एक और अभी मुझे कल एक फीमेल थी उनकी मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा कि सर वॉइस uh, अकाउंट में मेरे कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है तो मैंने डी ए टी लोड बोर्ड की पेमेंट करनी है थ्रू वॉइस अकाउंट तो मुझे कैसे करनी चाहिए तो मैंने उनको भी आंसर दिया और आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो आ, शायद यू एस अकाउंट के थ्रू लोड बोर्ड की पेमेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वॉइस या पे या स्ट्राइप या डिफरेंट अपने अकाउंट्स के थ्रू आप लोड बोर्ड की पेमेंट्स करते हैं ज़रूरी नहीं है आप पाकिस्तान के अंदर जो मेरा एक प्रोसीजर है स्टैंडर्ड चार्टड बैंक है आ, उसमें मेरा अकाउंट है और पिछले डेढ़ साल से जब से मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं उसी के थ्रू लोड बोर्ड की पेमेंट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बेसिकली एक इंटरनेशनल एक बैंक है यूके बेस्ड बैंक है तो आ, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आउट और इनकमिंग में भेजने में और रिसीविंग में तो प्रॉब्लम नहीं आती तो इसके जो इसका जो डेबिट कार्ड है या अगर क्रेडिट कार्ड भी लोग ऑफर करते हैं मैंने तो नहीं लिया हुआ लेकिन अगर डेबिट कार्ड भी आप लोगों के पास है तो इसके थ्रू आप पेमेंट कर दें या किसी भी आप बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप वॉइस के थ्रू पेमेंट करें तो फर्स्ट थिंग लोड बोर्ड की फ्री सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई है सेकेंड थिंग के लोड बोर्ड की पेमेंट करने के लिए आपको वॉइस या किसी भी वर्चुअल अकाउंट के थ्रू एस अकाउंट के थ्रू पेमेंट की जरूरत नहीं है आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट और थर्ड थिंग जब भी लोड बोर्ड यूज करें तो उसके लिए वीपिन एक्टिव करें वीपिन एक्टिव होना मस्ट है वीपिन एक्टिव करके देन आप लोड बोर्ड यूज़ करें और एक और थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि कुछ जो न्यू डिस्पैचर्स हैं न्यू बेगनर हैं उनको जब न्यू एम या न्यू अथॉरिटी मिलती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि सर हमें न्यू एम के लिए लोड नहीं मिल रहा बिल्कुल सही बात है न्यू एम को ब्रोकर लोड इतना ईजीली नहीं देता लेकिन न्यू एम के साथ साथ न्यू डिस्पैचर को भी इतना इजीली लोड नहीं देता सपोज अगर एक डिस्पैचर है जिसको एक साल दो साल इस फील्ड में हो गए हैं और वो डेली बेसिस पे ब्रोकर को कॉल करता है बल्कि उसके बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बन चुके होंगे बहुत सारे ब्रोकर तो अब इस टाइम लाइक मेरे डिस्पैचर्स को बहुत सारे ब्रोकर कॉल्स करते हैं कि यार हमारे पास ये लोड पड़ा हुआ है ये लोड अवेलेबल है तो अगर आपके पास स्टेट में ट्रक है तो हमें ट्रक दे दो हम आपको लोड दे देते हैं हमें लोड बोर्ड पर जाने की समटाइम जरूरत भी नहीं पड़ती तो इसमें ये है कि अगर तो आप पाँच छः महीने इस इंडस्ट्री में आपको हो गया है और बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ आपका अच्छा रिलेशन बन गया है तो सम टाइम ब्रोकर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप होने की बेस पे भी आपको लोड मिल जाता है न्यू एमसी के लिए लेकिन अगर एमसी भी न्यू हो और आप डिस्पैचर भी न्यू हो और आपके ब्रोकर्स के साथ कोई लिंक्स भी ना हो अभी आप ब्रोकर से भी लिंक्स बना रहे हो कैरियर के साथ भी लिंक बना रहे हो तो स्टार्टिंग के एक दो महीने में थोड़ा सा इशू आता है जब तक आपकी एम पुरानी नहीं हो जाती जब तक आप थोड़े से इस फील्ड में पुराने नहीं हो जाते और आपके लिंक्स नहीं बन जाते तो स्टार्टिंग में थोड़े से इशूज़ आते हैं लेकिन इसका सोल्यूशन बस यही है कि देर आर लॉट ऑफ ब्रोकर लॉट ऑफ लोड्स अवेलेबल ऑन द लोड बोर्ड आप जाएँ डिफरेंट लोड्स को अप्रोच करें देखें कोई एक लोड आखिरी लोड तो है नहीं लोड बहुत सारे आते हैं हर मिनट के बाद नया लोड पॉपअप होता है हर मिनट के बाद नया लोड आ रहा है हजारों लोड डेली बेसिस पे आते हैं लाखों लोड शायद डेली बेसिस पे आते हैं तो अगर एक लोड नहीं मिल रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आप दूसरे लोड को अप्रोच कर लें लेकिन एक चीज वन थिंग कीप इन योर माइंड किसी भी ब्रोकर को आप जब कॉन्टेक्ट करते हैं ना तो आपने क्रेडिट स्कोर जरूर देखना है आजकल मार्केट में फ्रॉड बहुत हो रहा है बहुत से नए ब्रोकरेज कंपनीज भी ओपन हो रही हैं, सेम लाइक डिस्पैचिंग कंपनीज तो ब्रोकरेज कंपनीज़ जो न्यू आ रही हैं उनके क्रेडिट स्कोर अच्छे नहीं हैं और क्रेडिट स्कोर अभी उनके इस टाइम लोड बोर्ड पे फौरी तौर पे आता भी नहीं है जब तक वो आ, दो तीन महीने या छः महीने या एक साल की पेमेंट्स नहीं करते फैक्टरिंग कंपनीज़ को तो क्रेडिट स्कोर ज़रूर देखना है क्रेडिट स्कोर देखे बगैर आपने लोड बुक नहीं करना अगर आपने विदाउट क्रेडिट स्कोर देखे आपने लोड बुक कर दिया तो लोड की पेमेंट सम टाइम टाइम बल्कि सम के अब ऐसे हो रहा है कि कुछ ब्रोकर जो हैं वो आपकी लोड की पेमेंट खा रहे हैं जिसमें एम सॉरी टू से जिसके अंदर कुछ इंडिया के ब्रोकर भी इन्वॉल्व हैं और कोई कुछ एक दो पाकिस्तान के ब्रोकर भी जो मेरे साथ ये कुछ ऐसा हुआ है सीन कि ब्रोकर्स आपकी पेमेंट नहीं देते और आप उन्हें ईमेल्स करते रहते हैं कॉन्टैक्ट करते रहते हैं वो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं रिप्लाई भी नहीं करते तो हमें फिर अपने कैरियर को रिटेन करने के लिए अपनी पूरी पूरी वीक की इन्वाइस छोड़नी पड़ी हैं हमने लॉस बेयर किया लेकिन एक एक्सपीरियंस था हो गया अब मेरा एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग फ़ायदा उठाएं और आप लोग जो हैं ऐसे ब्रोकर से एहतियात करें जो ब्रोकर्स का क्रेडिट स्कोर नहीं है या क्रेडिट स्कोर कम है अगर, अगर अप टू नाइन्टी है नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी सेवन तो उन ब्रोकर्स के साथ आप काम करें जो आपको टाइम पे, पे पे भी करें अगर अंडर नाइन्टी है एटी सेवन एटी एट या अपना एटी तो उनसे तो हम भी काम नहीं करते क्योंकि वो पेमेंट कर देते हैं लेट करते हैं लेकिन जिनका क्रेडिट स्कोर ही नहीं है ना उनके साथ तो काम ही मत करें क्योंकि न्यू डिस्पैचर मार्केट में आ रहे हैं वो लोड लेने के चक्कर में ऐसे जो ब्रोकर हैं उनके हाथ लग जाते हैं तो जिनके क्रेडिट स्कोर कम होते हैं नहीं होते तो फंस जाते हैं और उसमें ये होता है कि ये जो जो लोग जिनका क्रेडिट स्कोर कम होता है या जो न्यू ब्रोकर हैं उनकी एक निशानी भी होती है वो निशानी सॉरी उनकी एक निशानी होती है वो निशानी ये होती है कि वो हमेशा आपको हाई पेइंग लोड दे रहे होंगे यानी एक 200 माइल का लोड है जिसका 2 डॉलर पर माइल 400 बनता है वो आपको 200 माइल का 800 पे कर रहे होंगे हजार पे कर रहे होंगे वो फ्रॉड लोड होते हैं मतलब लोड आप पे करके आप डिलीवर भी कर देते हैं लेकिन ये है कि उसकी पेमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी आप फंस जाएंगे तो इसीलिए न्यू ब्रोकर से अवॉइड करें और लोड बोर्ड को जो है वी पी लगा के यूज़ करें और लोड बोर्ड की जो पेमेंट है वो अपने आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और न्यू एमसी और न्यू डिस्पैचर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बट कीप ट्राइंग कीप फाइंडिंग आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छे लोड्स भी मिल जाएंगे जैसे जैसे आप इस फील्ड में पुराने होते जाएंगे आपको लोड्स भी मिलते जाएंगे और कोशिश करें कि डिस्पैचिंग इंडस्ट्री को है ना प्रॉपर सीरियस होकर लें और फुल ट्रेनिंग लेने के बाद इसमें प्रॉपर इन हो शुरू में गलतियां करेंगे तो आप मायूस हो जाएंगे लेकिन मैंने गलतियां की है, मेरी गलतियों से आप सीखें मुझसे सवाल करते हैं तो मुझे खुशी होती है आप लोगों को जवाब देते हुए कोई भी इशू कोई भी मसला हो आप यूट्यूब पर भी कॉमेंट कर सकते हैं मैं रिप्लाई फॉरवन करता हूँ मैं यूट्यूब पर काफ़ी एक्टिव हूँ और मैं फौरी तौर पर रिप्लाई करता हूँ कोई इशू हो आप यहाँ पर कमेंट कर दिया करें मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा ओके टेक केयर इन द नेक्स्ट वीडियो अला हाफ़